नमस्कार दोस्तों, हमने अपने गवर्नमेंट स्कूल में प्रार्थना सभा के लिए कुछ क्रिएटिव कार्य करने की सोची है और इस कार्य में मुख्य श्री सुधीर जी, गणित अध्यापक, श्री संदीप जी, पीटीआई टीचर और मैं, विजय, कला अध्यापक का मुख्य रोल है। हमने अपने प्रार्थना सभा के ग्राउंड में एक बड़ा आयत बनाया है और उसके बाद एक धागे की सहायता से और ईंट की सहायता से हमने 6x6 पर लाइनें लगाई हैं और बच्चे से बच्चा 3 फीट की दूरी पर निशान लगाए हैं। इस प्रकार से हमने पीले रंग की सहायता से सीधी लाइनें लगाई हैं। धागे और ईंट की सहायता से निशान पर सीधा रखकर मैं अभी पीले रंग की सहायता से सीधी लाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। यह एनिमल पेंट है और इस कार्य में मेरी मदद श्री संदीप जी, जो पीटीआई की पोस्ट पर कार्यरत हैं, उन्होंने की है। हम धागे की बराबर में ब्रश और पेंट की सहायता से सीधी लाइनें लगा रहे हैं। काले रंग की सहायता से हमने निशान भी लगाए हैं। और फिर 1 फीट का फर्मा बनाकर इस तरह से गोल निशान लगाए हैं। प्रार्थना सभा में एक गोले के अंदर एक बच्चा खड़ा होगा। हमने नेरोलैक पेंट की, जो 25 लीटर की बाल्टी आती है, उसके ढक्कन को फर्मा बनाया है क्योंकि इसका व्यास 1 फुट के करीब है और 2 इंच की हमारी ब्रश है, तो यह गोला हमारा 14 इंच का हो गया है। ढक्कन को बीच से हमने काट दिया था ताकि बिल्कुल जमा के निशान पर यह फर्मा रखा जा सके। एनिमल के परमानेंट कलर है, इसकी सहायता से हम गोल चक्कर बना रहे हैं। इस प्रकार से हमने अपने प्रार्थना सभा के संपूर्ण ग्राउंड में गोले बना दिए हैं। यह कार्य काफी मेहनत का था और कल सुबह जब हमारे स्कूल की प्रार्थना सभा होगी तब इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। संपूर्ण ग्राउंड में गोले लगा दिए गए हैं। और यह देखिए, सुबह के समय पर जब हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा हुई है तो सभी बच्चे गोले के अंदर अपने आप आके खड़े हो गए हैं और यह लाइनें इस तरह से तिरछी देखें तो तब भी बच्चे सभी सीधे नजर आएंगे। यह लाइन भी आपको सीधी नजर आएगी। अगर इन बच्चों को किसी भी दिशा से देखेंगे तो सभी लाइनें हमें बराबर नजर आएंगी। गोले लगाने के बाद
बच्चों को खड़ा करने में बिल्कुल ही कम समय लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।